दुनिया में आज देखिए, सीरिया में अंतिम सांसें गिनते इस्लामिक स्टेट का एक नया सच। सीरिया में हार की कगार पर खड़ा इस्लामिक स्टेट, लेकिन कई लड़ाकों के परिवारों पर अब भी चरमपंथी सोच हावी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। सीरिया के अलावा कार्यक्रम में आज जानेंगे पढ़ाई के मामले में ऑस्ट्रेलिया क्यों बनता जा रहा है विदेशी छात्रों की पसंदीदा जगह। आम चुनाव के ऐलान के बाद सभी दलों का प्रचार हुआ तेज, लेकिन देश की महिलाएं व्यवस्था से क्या बदलाव चाहती हैं? और मिलेगा हेवन शेफर्ड से, जिन्होंने अपने दोनों पांव खोकर भी जिंदगी से हार नहीं मानी और अब वो पैरालंपिक खेलों की तैयारी कर रही हैं। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आज बीबीसी दुनिया में। आज बुलेटिन की शुरुआत सीरिया से, जहां इस्लामिक स्टेट हार की कगार पर खड़ा है। यहां के ज्यादातर आईएस लड़ाकों ने कुर्द सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। बचे खुचे आईएस जिहादी वहां के बगूज नाम के इलाके में सिमट गए हैं। लेकिन क्या आईएस की चरमपंथी सोच भी खत्म हुई है या ये खतरा अब भी बरकरार है? बगूज से बीबीसी की खास रिपोर्ट। हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहां से हमें इस्लामिक स्टेट की बची खुची खिलाफत की झलक दिखाई गई। आईएस के इस काले झंडे तले जमा हैं कुछ लड़ाके जो आप पर कभी भी गोली चला सकते हैं। यहां दिखते हैं जहां तहां बिखरे बम। आईएस की सत्ता अब कुछ कैंपों तक सिमट कर रह गई है, लेकिन किसी को पता नहीं कि इन कैंपों के अंदर कितने लोग बचे हैं। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स आखिरी हमले की तैयारी कर रही है। थोड़ी ही दूर पर करीब 12,000 आईएस समर्थक हैं, जिनमें उनके बच्चे भी शामिल हैं। हफ्ते भर पहले इन्होंने कुर्द फौज के सामने समर्पण कर दिया था। एक फ्रांसीसी आईएस लड़ाके की बेटी एक गीत गा रही है, जिसमें मरने के लिए तैयार रहने और जन्नत जाने की बातें हैं। उसके चरमपंथी पिता की पिछले दिनों मौत हो गई थी। आईएस की नफरती सोच अब भी यहां कई लोगों के दिमाग को दूषित कर रही है। जाओ मर्दों की तस्वीरें लो, हम इस्लामिक स्टेट की औरतें हैं, अल्लाह महान है, वो ये कहते हुए हमारे कैमरों पर हमला करती हैं। सैकड़ों आईएस लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन लड़ाई में बचे कई आईएस फाइटर्स ने बगूज पर कब्जा कर लिया था। अब उन्हें कुर्दिश जेलों की ओर ले जाया जा रहा है। कई आईएस समर्थक मानते हैं कि इस्लामिक स्टेट की हार नहीं है, बल्कि एक झटका भर है। समूचे उत्तरी सीरिया में हजारों ऐसे आईएस समर्थकों को कैंपों में रखा गया है। उनके साथ क्या किया जाए, अभी इसका फैसला होना बाकी है। 11 साल के अरा ने हमें बताया कि वो जिहादी बनना चाहता है। वहीं आदेबा नाम की इस यजीदी महिला ने आईएस के अत्याचारों की दास्तां बताई। वो उस बुरके को जला रही है जिसे उसे जबरदस्ती पहनाया गया था। उसने बताया कि जबरन उससे इस्लाम कबूल करवाया गया। कई चरमपंथियों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसे रोजाना मारा पीटा जाता था। इस दौरान वो एक बच्चे की मां भी बनी। पास ही हम अहमद नाम के उस लड़ाके से भी मिले जिसने आदेबा को बंदी बनाया था। उसने हमें बताया कि आदेबा गुलाम नहीं थी, उसे उसकी पत्नी और माँ बाप के साथ सम्मान पूर्वक रखा गया था। आईएस ने यजीदियों का नरसंहार किया। उनके खात्मे के साथ ही आदेबा की जिंदगी नए सिरे से शुरू हो रही है। लेकिन सीरिया में आईएस और उसकी नफरत वाली मानसिकता अब भी बरकरार है। अब बात 18 फरवरी 2007 को हुए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले की, जिस पर अदालत का फैसला टल गया है। पंचकुला की विशेष एनआईए अदालत में इस पर अब अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा। एक अजीब सा मोड़ आया है, क्योंकि एक वकील ने खड़े होकर ये कहा कि वो
एक पाकिस्तानी महिला की गवाही इसमें दिलवाना चाहते हैं। उसका उन्होंने एक अर्जी दायर की और कहा कि एक वो महिला इसमें अपनी गवाही देना चाहती है, बड़ी ही अहम गवाही होगी वो। इस पर अदालत ने फैसला ना देते हुए इसको 14 तारीख के लिए नोटिस जारी किया है। NIA को और सभी एक्यूज़ को नोटिस जारी किया गया है। अब जो सुनवाई है वो 14 मार्च को अगली इस पर सुनवाई होगी, जिसमें ये तय होगा कि क्या उस अर्जी पर क्या करना है। हर साल कई छात्र अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पढ़ाई करने जाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो बीते 5 सालों में वहां पढ़ाई के लिए आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की तादाद में 50% का इजाफा हुआ है। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सबसे पसंदीदा जगह के रूप में ऑस्ट्रेलिया जल्द ही ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ देगा। सर्फिंग के साथ साथ पढ़ाई भी। कुछ ऐसे ही आकर्षक प्रस्ताव ने चीन के जिनजियांग प्रांत में रहने वाली येन को ये समझाया कि सिडनी उनकी पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही जगह है। वो पहले भी अपनी कज़न से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया आई थीं, लेकिन पैसे और लाइफस्टाइल के मामले में भी इस देश ने उनका मन मोह लिया। I did some research in UK and America. They all fantastic. मैंने ब्रिटेन और अमेरिका में पढ़ने के लिए रिसर्च की और पाया कि वहाँ काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है और कई कमाल के कॉलेजेस हैं। पर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जेब पर उतना भारी नहीं पड़ता और ये ऊर्जा से भरा देश है। ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया फिलहाल इतिहास बनाने की राह पर है। यहाँ शिक्षा एक बहुराष्ट्रीय कारोबार है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लुभाने में अव्वल नंबर पर आता है, ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है, लेकिन अब वहाँ छात्र कम हो रहे हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया, जो विदेशी छात्रों के लिए तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ पिछले 5 सालों में ऐसे छात्रों की तादाद 50% बढ़ी है। ऐसा लगता है कि चीनी छात्र तो ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज़ में आने के मौके छोड़ ही नहीं रहे हैं। सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी 1/3 छात्र चीन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ऑस्ट्रेलियाई छात्रों के मुकाबले 4 गुनी फीस देनी पड़ती है और उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए भाषा का टेस्ट भी पास करना पड़ता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने चेताया है कि उन्होंने कुछ ऐसे छात्र देखे हैं जिन्हें अंग्रेजी कम आती है और असाइनमेंट पूरे करने के लिए वो अनुवाद में इंटरनेट की मदद लेते हैं। इससे ये चेतावनी मिली कि यूनिवर्सिटीज को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी कामयाबी प्रभावित हो। ये एक ऐसी बात है जिस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर ऐसी छवि बन गई है कि हम छात्रों को इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि वो पैसा बनाने का अच्छा जरिया है, तो समस्या हो सकती है। कुछ छात्रों के लिए कॉलेज के बाद की जिंदगी काफी मायने रखती है। मॉस्को से आए मैक्सिम उम्मीद करते हैं कि वो ग्रेजुएट्स को मिलने वाले 2 साल के वीजा का भरपूर फायदा उठा पाएंगे। मैं 100% यहीं रहने वाला हूँ। मुझे इस जगह से प्यार है और मैं यहाँ पक्की नौकरी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं इस देश में रह सकूँ। विदेशी छात्रों का ये सोचना कि ऑस्ट्रेलिया उनकी पढ़ाई के लिए सही जगह है, ऑस्ट्रेलिया और उसकी यूनिवर्सिटीज के प्रति प्यार को कभी कम नहीं होने देगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज BBC ग्लोबल राउंडअप में देखिए क्यों उठ रहे हैं अमरीकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग पर सवाल और रूस में कैसे मनाया गया सर्दियां खत्म होने का जश्न। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कंप्यूटर बाबा के नाम से मशहूर नामदेव त्यागी को नदी न्यास का चेयरमैन बनाया है। पहले की शिवराज सिंह चौहान सरकार में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा हासिल था। इसी पर हमारे कार्टूनिस्ट कीर्तिश ने आज अपनी कलम चलाई है। और BBC दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भारत की महिलाएं अपनी जिंदगी की किस एक सच्चाई को कूड़े में डालना चाहती हैं। और देखिएगा एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके साथ जिंदगी ने क्रूर मजाक किया लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो BBC दुनिया में अभी है बहुत कुछ बाकी, बने रहिए हमारे साथ। हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं आदित्य मेहरा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 11 अप्रैल को मतदान का पहला चरण होगा और 19 मई को सातवें और आखिरी चरण का मतदान संपन्न होगा। चुनाव पर हमारी खास पेशकश में हम अलग अलग राज्यों से लेकर आए हैं वहां की महिलाओं की आवाज़। इसके तहत हम राजस्थान पहुंचे और महिलाओं से सवाल किया कि उनकी जिंदगी की वो कौन सी एक चीज़ है जिसे वो बदलना चाहती हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता सुशीला सिंह और विकास त्रिवेदी की ये खास रिपोर्ट। कन्या को बताने वाली मशीन को कूड़ेदान में पटक फेंकती हूँ, क्योंकि कन्या का पता लग जाता है तो गर्भ में ही कन्या का हत्या करवा देते हैं। मोबाइल का गलत उपयोग को इस कूड़ेदान में फेंकना चाहती हूँ। मैं नेट फ्री मिल रहा है जिससे उसका दुरुपयोग करके लड़के गलत वीडियोज वगैरह देखते हैं जिससे उनकी सोच गलत ही जाती है और वो आसपास में उसका दुरुपयोग करते हैं, लड़कियों को छेड़छाड़ कर। घर में भी बच्चा भूखा बैठा है, जुआ खेल रहा है, घर में कुछ लाके ना दे रो, मतलब जुआ है तो कूड़ा में ही डालना चाहती हूँ। हम डरते हैं कि हम स्कूल जाएंगे हमसे कोई लड़का कोई बदतमीजी करेगा, इस डर से हम घर में बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई आके हमारे घर वालों से ये बोल देगा कि तुम्हारी लड़की तो ये करी, तब की वो लड़की कर नहीं रही है, फिर भी बोलते हैं कि ये लड़की ऐसा कर रही। डर को मैं निकाल कर फेंकना चाहती हूँ अपने अंदर से। मैं अंगूठा छापूं, अनपढ़ हूँ, लाचार या कूड़े में डालना चाहती हूँ, गरीब की तो कोई बेटी नहीं लेते। आए मैं इस शराब के ठेके को इस कूड़ेदान में प्रवाहित कर रही हूँ। अगर गांव में ही पहले बंद हो जाएगी फिर ठेके बंद हो जाएगा तो बंदा कहाँ जाएगा। माँ बाप लड़कों को प्राइवेट में पढ़ाने के लिए भेजते, लड़कियों को सरकारी में, और लड़कों को नौकरी के लिए आगे भेजा जाता, तैयारी करवाने के लिए लड़कियों को घर में बिठाए रखते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लिंग भेदभाव को कूड़ेदान में फेंकना चाहती हूँ। ये जो चीज़ें उन्होंने कही हैं कि हम इनको उठाकर फेंकना चाहते हैं अपने जीवन से, ये एक प्रारंभिक शुरुआत है जहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये चिंगारी लगने लगी है, जहाँ पे ये लड़कियाँ सोचने लगी हैं क्यों टेक्नोलॉजी उनकी प्राइवेसी को, उनकी पर्सनल एस्पिरेशंस को, उनकी स्वयं की जो छवियाँ हैं उनको जो है टेक्नोलॉजी से उसको बर्बाद कर रहा है। व्यवस्था में बदलाव चाहने वाली औरतें, और अब कहानी हेवन शेफर्ड की, जिन्होंने महज 14 महीने की उम्र में अपने दोनों पांव खो दिए थे। उनके माता पिता ने उन्हें साथ लेकर खुदकुशी की कोशिश की थी। माता पिता नहीं रहे लेकिन हेवन ने घुटने से नीचे के दोनों पांव खो दिए। लेकिन कैसे अपनी हिम्मत से अब वो पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही हैं, देखिए ये रिपोर्ट। हेवन शेफर्ड की जिंदगी एक चमत्कार से कम नहीं, वो एक ऐसे हालात से गुजर रही हैं जहां से जिंदा बचना ही एक उपलब्धि थी। मैंने अपने पांव 14 महीने की उम्र में खो दिए थे। मुझे ये बताया गया कि मेरे माता पिता के कई प्रेम संबंध थे। मेरे असली पिता मेरी माँ के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने एक साथ खुदकुशी करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को बम से बांध लिया और मुझे गोद में लेकर बैठ गए। बम मेरे पांव के पास था, जब वह फटा तो मेरे पांव नहीं रहे। लेकिन हेवन ने अपने हालात को अपनी ताकत बनाया और उसी से आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। आप अपने नकली पाँव के साथ नहीं तैर सकते, तो जब मैंने अपने नकली पाँव निकाल कर रख दिए तो इसका मतलब था कि आने वाले 2 घंटों के लिए मुझे उन असहज करने वाली मशीनी पाँव से मुक्ति मिल गई थी। मैंने खुद को ताकतवर महसूस किया। मैं 20 महीने की थी जब मुझे गोद ले लिया गया, इसलिए वियतनाम में रहने की यादें मेरे पास नहीं हैं। पैरालंपिक मेरे लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया और वो मेरे उभरने का वक्त था, तब चीजें मेरे हाथों में आने लगी। गर्मियों में मैं इटली गई और वहाँ मुझे अमेरिका की पैरालंपिक स्विमिंग टीम के साथ तैरने का मौका मिला। मेरे सिर पर अमेरिका लिखा था, मैंने उसकी एक तस्वीर ली और सोचा कि ये सच है। हेवन अब 2020 पैरालंपिक्स में शामिल होने की तैयारी कर रही है। टोक्यो पैरालंपिक में जाकर तैरना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल होगा। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रूस में कैसे मनाया गया सर्दियां खत्म होने का जश्न। तो मिलते हैं ग्लोबल राउंड अप।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं आदित्य मेहरा और अब वक्त है बीबीसी ग्लोबल राउंडअप का। और पहली खबर इथियोपिया विमान हादसे पर। इथियोपिया विमान हादसे के बाद अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग पर सवाल उठने लगे हैं। चीन ने अपने यहां सभी बोइंग 737 यात्री विमानों के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। हादसे का शिकार हुए विमान के ब्लैक बॉक्स को आज बरामद कर लिया गया है। राहत अभियान की जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता इमैनुएल इगुंजा। विमान क्रैश होने के बाद जब एक खेत में गिरा तो वहाँ एक गहरा गड्ढा हो गया। राहत कर्मियों का सबसे ज्यादा ध्यान वहीं पर है। वे और खोदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मलबे का हर हिस्सा खोजा जा सके। चरमपंथी संगठन तालिबान के मुख्य नेता मुल्ला उमर लंबे समय तक अफगानिस्तान स्थित अमरीकी सैन्य अड्डों के करीब छिपे रहे, लेकिन अमरीका को इसकी भनक नहीं लगी। एक नई किताब द सीक्रेट लाइफ ऑफ मुल्ला उमर में ये दावा किया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे के दफ्तर ने कहा है कि ब्रेग्जिट समझौते में बदलाव पर यूरोपीय संघ से बातचीत अब भी लटकी हुई है। कल ही ब्रिटिश संसद में ब्रेग्जिट समझौते पर दोबारा मतदान होना है। यह समझौता भी लगभग वैसा ही है जिसे 2 महीने पहले सांसदों ने बहुमत से खारिज कर दिया था। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी सत्ता संभालने के बाद अपने पहले आधिकारिक इराक दौरे पर पहुंचे हैं। तेहरान से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा था कि ईरान अपने पड़ोसी देश से संबंधों को विस्तार देना चाहता है। वो ऐसे समय पर यहां पहुंचे हैं जब अमेरिका इराक पर ईरान से सीमित संबंध रखने का दबाव बना रहा है। इसके अलावा खबरों में है इंडोनेशिया की रहने वाली सीति आयसा, जिन्हें मलेशिया में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की हत्या के मामले से बरी कर दिया गया है। देश के अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इंडोनेशिया के अनुरोध पर सरकारी वकीलों ने उनके खिलाफ आरोप वापस ले लिए। और ये हैं वो लोग जिन्हें वेनेजुएला पुलिस ने दुकानों में लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक देश में जबरदस्त बिजली संकट का फायदा उठाते हुए इन 40 लोगों ने कई दुकानों में लूट की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़कर इस तरह सड़क पर उल्टा लिटा दिया। और रूस में सर्दियां खत्म होने की खुशी में मेसलेनिटा का लोक त्यौहार मनाया गया, जहां लोगों ने इस विशाल तवे पर पैनकेक बनाकर खाया। हालांकि तवे के बराबर का पैनकेक बनाने की कोशिश इसलिए नाकाम हो गई क्योंकि बावर्ची उसे ठीक से पलट नहीं सके, लेकिन फिर भी लोगों ने पैनकेक खाकर बदलते मौसम का आनंद लिया। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कार्यक्रम को लेकर किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे ट्वीट कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcwithin। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल शाम 5:30 बजे।